लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कमलनाथ सरकार की ओर से अनौपचारिक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पुत्र मोह होने का आरोप लगाया था। इस पर सीएम कमलनाथ ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर विस्तार से सभी को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में एक बार फिर मोदी की सरकार आने से उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सरकार मजबूत है और 5 साल पूरे करेगी। बैठक के बाद जेल एवं गैस राहत मंत्री आरिफ अकील ने कहा, भविष्य की योजना और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सरकार पर किसी प्रकार का संकट नहीं है। बैठक में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को उचित निर्देश दिए हैं। पार्टी एक विचारधारा है और वो विचारधारा है जिसने देश को आजादी दिलाई है। कभी भी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी को बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले राजा मोदी जी फिर से देश की जनता को गुमराह कर काफ़ी उनका पहले जैसा कांग्रेस का साथ रहता था, इस बार भी रहा है। और हमारे यहाँ एक विधानसभा भैया जो रिजर्व है SC, वहाँ पर भी हम 6,000 वोटों से चुनाव जीते। इस लहर में चुनाव जीतने का मतलब ये कि उन्होंने हमारा सबका सहयोग किया है। या तो है, अब वो तो अभी पता चलेगा जब सब लोगों से हम लोग मिलेंगे। हम अभी तक तो अपनी लोकसभा में रहे हैं, इसलिए हम लोकसभा